हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आई। आज हम बनाने वाले स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी। इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, और अभी आप जैसा कि जानते हैं मैंगो का सीज़न है, तो अभी मैंगो भी बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ठंडा ठंडा। तो मैं आपको इसका पास से दिखाती हूँ। देखिए पास से, आप देखिए इसके अंदर की स्टफिंग है ये, और ऊपर से ये मैंगो है ये। तो फ्रेंड्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के मैंगो कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप ये देखिए, ये मैं मैंगो ले ली हूँ, दशहरी वाले आम है ये। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, रेशे कम होते हैं दशहरी वाले आम में। तो अब हम इस आम को अच्छे से धो के अच्छे से पोंछ लिए हैं, अब इसको हम कट करेंगे। तो आप ये देखिए, ये हम मैंगो ले लिए। अब मैं इस तरह से ऊपर से थोड़े से इस तरह से हम ऐसे कट लगाएंगे। हमें आराम से काटना है इसे, हमें इस तरह से ट्विस्ट करके इसको निकाल लेंगे। और अब हम ये चाकू की हेल्प से इसको हम अलग करेंगे। तो इसका हमें ये बीज है ना, इसको हमें निकालना है। तो मैं इस तरह से चारों साइड से चाकू लगा लूँगी, बिल्कुल हमें आराम से लगाना है। ये मैंगो के बाहर से मत आ जाए चाकू। तो बस हमें इस तरह से हम इसको पूरा चाकू घुमा लेंगे अंदर से भी, और थोड़ा सा ये जो अंदर की जो गुठली है इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे। तो हमें इसे लूज करना है। तो आप ये देखिए, मैं इसको अच्छे से लूज कर ली हूँ। अब हम इस तरह से एक पकड़ लेंगे जो हमारे किचन में रहता है सनसी, और इस तरह से हम ये गुठली को पकड़ेंगे और इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है ना। तो अब हम एक कप और एक ग्लास ले लेंगे जिसमें हमें ये बनाना है कुल्फी। तो आप ये देखिए, मैं ये कप ले ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ। अब ये जो गुठली है इसमें जो जितने भी ये रेशे हैं, इसको हम जो इसके पल्प हैं इसको हम अंदर इसमें डाल देंगे, पूरा हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से सारे आम के इस तरह से गुठली निकाल ली हूँ। अब मैं इसको ढक देती हूँ, इस तरह से कवर कर दे रही हूँ, और इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैं सारे आम को भी इस तरह से कवर कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमने कवर कर दिया, मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो ये हम कढ़ाई ले लिए हैं एक, और हम इसी में ये मिल्क डालेंगे। तो मैं ये हाफ लीटर मिल्क ली हूँ, इसको हम अच्छे से गाढ़ा करेंगे। अब मैं ये गैस ऑन कर दी हूँ, अब हम इसको गर्म होने देंगे। जब तक वो मिल्क गर्म हो रहा है, हम ये एक मिक्सर का जार ले लिए, और इसी में मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ये मिल्क पाउडर है, ये हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप ये देखिए, इसमें मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसी में गुनगुना दूध डालूँगी। अब हम उसी मिल्क पाउडर में इस तरह से इसमें 2 टेबलस्पून इसमें मैं मिल्क लूँगी, और इसी में मैं डाल दूँगी ये मिल्क पाउडर में। तो ये आप देखिए, मैं इसमें मिल्क डाल दी हूँ। अब इसका ढक्कन लगा लेती हूँ और इसको एक बार मिक्सर चला ले रही हूँ। तो आप ये देखिए, मैं मिल्क पाउडर और मिल्क डाल के इसको अच्छे से चला ली। अब इसको हम दूध में डाल देते हैं। तो आप ये देखिए, मिल्क भी हमारा गर्म हो रहा है। अब मैं इसी स्टेज में इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड्स। अब इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। ये हाफ लीटर मिल्क है, तो इसको हम इसका भी हाफ करेंगे। तो आप ये देखिए, हम इस तरह से स्टर करते जा रहे हैं, इसको हम बीच बीच में स्टर करेंगे। और ये जो साइड साइड में इस तरह से चिपक रहे हैं ना, तो ये आप देखिए, इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे और इसमें ही हम मिक्स करते जाएंगे। तो बस हमें इसे बीच बीच में से स्टर करना है, और इसको हम गाढ़ा होने देंगे, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो आप ये देखिए,
ये मिल्क हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसी स्टेज में ये शुगर डालूंगी। ये मैं 1/4 कप शुगर डाल रही हूँ। शुगर डाल के भी हम अच्छे से इसको गाढ़ा कर लेंगे। शुगर डालने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसको हम और अच्छे से गाढ़ा करेंगे। देखिए ये शुगर डाल के भी हम अच्छे से इसको मेल्ट कर लिए। शुगर भी हमारा अच्छे से दूध में अच्छे से घुल गया है। अभी भी हम इसको और थोड़ा सा 5 मिनट और अच्छे से गाढ़ा कर ले रहे हैं। अब आप ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। और इसमें आप मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी इसमें मलाई भी हो गई है। इस साइड से हम साइड से स्टर कर लिए थे, तो ये जो साइड में चिपक रहा है इसका भी मलाई भी आप देखिए ऐसे इकट्ठा भी हो रही थी। तो बस अब हम इसी टाइम में गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर में इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो आप ये देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। तो आप ये देखिए मैं फ्रीज़र से मैंगो निकाल ली हूँ। अब हम इस तरह से एक इस तरह से हल्का हल्का इसको हटाएंगे और मैं इसमें ये स्टफिंग डालूंगी इस मैंगो के अंदर। तो हम इस तरह से एक बड़ा चम्मच ले ले रहे हैं और हम आराम से बिल्कुल इस तरह से स्टफिंग डालेंगे। हम पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से स्पेस रखेंगे, क्या होता है ये फ्रीज़र में ऊपर आ जाएगा नहीं तो। तो हम इसी तरह से ये बाकी के भी मैंगो इस तरह से डाल ले रहे हैं मैंगो के अंदर। तो आप ये देखिए सारा मैंगो मैं स्टफ कर ली हूँ। अब मैं इसको सब में इस तरह से ऊपर से बंद कर दे रही हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ ओवरनाइट के लिए। इसको 12 से 14 घंटा हम इसको जमने देंगे। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो ये देखिए ये 12 से 14 घंटा हो गया, अच्छे से जम भी गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, या तो मैं तुरंत इसका छिलका निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं और हम इसका छिलका पूरा निकाल लेते हैं अच्छे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, या तो आप नॉर्मल होने दें, इस तरह का एक शार्प नाइफ ले लीजिएगा और इसको अच्छे से इसका हमें पूरी तरह से इस तरह से छिलका निकालना है। तो आप देखिए हमें इस तरह से छील लेंगे इसको। बस इसको छीलते समय हमें ध्यान रखना है ये काफ़ी ठंडा है। बहुत ही आराम से इसको इस तरह से हम छील लेंगे। तो ये देखिए हम छील लिए आम को। अब मैं एक एक करके इसको कट करूंगी। अब मैं इस तरह के चॉपिंग पैड में ले लेती हूँ और हम इस तरह से इसको पहले निकाल लेंगे, इसको अलग कर लेते हैं और हम इस तरह से इसको पीसेस में से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो मैं इसी तरह से बाकी का भी ऐसे कट कर ले रही हूँ। तो आप ये देखिए मैं इसको सब कट कर ली हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो हम एक प्लेट ले लेते हैं और इसमें हम इस तरह से एक एक ये मैंगो के इस तरह से स्लाइसेस रखते जाएंगे। तो आप ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से पिस्ते से इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर ले रही हूँ। तो आप ये देखिए ये हमारा स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बनकर तैयार है। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस गर्मी में ज़रूर ट्राई करिए। अभी आम का सीज़न भी बहुत ही बढ़िया ये आम मिल रहे हैं, तो ये बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कॉमेंट में मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।